नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर के विकास का नौगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड 43 से जिला पंचायत पद के लिए सुमित्रा देवी पुत्र वधु श्यामा चरण गौतम द्वारा भाजपा समर्थित जिला पंचायत को चुनाव लड़ा गया। ये चुनाव सुमित्रा देवी द्वारा वार्ड 43 में विकास और ग्रामवासियों के लिए सुविधा को लेकर ये लड़ा गया था, जिसको देखते हुए ग्रामवासियों ने अपना बहुमूल्य वोट जिला पंचायत सदस्य सुमित्रा देवी पुत्र वधु श्यामा चरण गौतम को देकर करीब 75 भारी वोटों से जीता है। वहीं सुमित्रा देवी पुत्र वधु श्यामा चरण गौतम की पंचायत सदस्य बनने की घोषणा होने के बाद से ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जीतने के बाद पंचायत सदस्य सुमित्रा देवी पुत्र वधु श्यामा चरण गौतम के निवास ग्राम पंचायत मदहना के जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे और प्रमाण पत्र हासिल कर सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्यामा चरण गौतम ने बताया कि मैं सभी ग्रामवासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर मुझे जीत दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में जो भी ऐसी समस्याएं होंगी उनका समाधान जल्द से जल्द कराने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो भी हो, इस क्षेत्र से श्यामा चरण गौतम लगभग काफ़ी दिनों से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इसी क्षेत्र से एक बार चुनाव लड़ा और हार भी गए, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी जिसका फल आज उनको मिला। जीते हैं किस वार्ड से जीते हैं? वे चुनाव इसलिए जीता है जन सेवा के लिए। मैं सन 1989 से जन सेवा का काम कर रहा हूँ, समाज सेवा का भी काम करने का काम किया है। हमारी ये दिली इच्छा है कि हम जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं और दबे कुचले हैं, उनकी हम मदद करें। ये काम हम 22-23 साल से करते चले आ रहे हैं। इसी को देश मान करके हम 2002 में मैं जिला पंचायत का चुनाव 34 नंबर से मैं लड़ा था, लेकिन वहाँ के कैंडिडेट आर्थिक मामले में मजबूत थे, मैं गरीब था, इसलिए मैं चुनाव थोड़े वोट से हार गया। लेकिन मैं प्रयास करता रहा, हमेशा चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बार हमारी जनता ने हमारे सेवा भाव को देख करके हमें स्वीकार किया और हमें अच्छे वोटों से चुनाव जिताने का काम जिला पंचायत के 43 नंबर से किया है। तो आप, जनता ने आपको चुन लिए, तो जनता के विश्वास पर कैसे खरा उतरेंगे? जनता के लिए आप पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे, ईमानदारी के साथ काम जनता के लिए काम करेंगे। जो भी सरकार के तरफ से मिलेगा उसको हम जनता के सामने पेश करेंगे, उसमें हमारी तरफ से ना तो कभी कटौती हुई है ना कटौती करेंगे।